दिल्ली में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रही है, वैसे वैसे आंकड़े लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन जगहों पर हो रही है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मसलन मेट्रो या बसें। इसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोरोना के मरीजों को या फिर कोरोना के संक्रमितों को कैसे कम किया जाए, DMRC ने एक पत्र लिखा है और पत्र में इस बात की गुजारिश की है कि मेट्रो के टाइमिंग में बदलाव करना चाहिए। मसलन जो निजी संस्थान है और सरकारी संस्थान है उसके समय में बदलाव होना चाहिए। जैसे कि अगर सरकारी संस्थान सुबह 9 बजे खुल रहे हैं तो निजी संस्थानों को 11 बजे खोला जाए, या फिर निजी संस्थान सुबह 9 बजे खुल रहे हैं तो सरकारी संस्थानों को 11 बजे खोला जाए। 2 घंटे का गैप होने से एक ये बात होगी कि कम से कम जो सफ़र करने वाले लोग हैं उसमें उनको आसानी होगी, और पीक और नॉन पीक आवर जो अभी है उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि पीक द ब्रेक, वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो पाएगा। इसको लेकर बाकायदा पत्र लिखा गया है और इस पर अभी जो सरकारें हैं वो सोच रही हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। मसलन अगर अभी आप देखिए दिन का समय है, काफ़ी कम लोग आ जा रहे हैं, लेकिन यही अगर आप सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो इस रश को कम करने का एक उपाय ये भी है कि ऑफिस के टाइमिंग में इसमें बदलाव किया जाए, और टाइमिंग में बदलाव होने से कम ये होगा कि लोगों को थोड़ी आसानी होगी, जिससे कि लोग आसानी से सफ़र कर पाएंगे और भीड़ भाड़ से बच पाएंगे और संक्रमण का खतरा कम हो पाएगा। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।